एमएस मार्केट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एमरजेंसी एलईडी बल्ब का। तो एक एलईडी बल्ब हमारे पास आज मौजूद है, 20 वाट का ये बल्ब है। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये एसी डीसी है। तो एसी डीसी कैसे है ये, तो सबसे पहले हम इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। साथ इसके दो बैटरीज दी गई हैं, 3.7 वाट की बैटरी है ये। दो सेल यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तो ये सेल जो डलते हैं उसके इसमें डलते हैं, यहाँ पे इसके पोर्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बैटरीज इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, एक सेल इसका यहाँ पे लग जाएगा। इसके कवर को बंद करेंगे, इस तरह इसका कवर बंद कर देंगे और एक सेल इसका यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, सेल इसमें हमने डाल दिया है। ऑन करने का तरीका, जैसे हम नॉर्मल बल्ब आप होल्डर पर लगाते हैं एसी 220 वाट, तो 220 वाट मैंने इसको लगा दिया। तो मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब जो इसका एमरजेंसी वाला फंक्शन है कि जब लाइट जो है तो ये ऑन हो जाए, वो कैसे अब यूज़ कर सकते हैं, तो उसका तरीका यही है कि आप इसको नॉर्मल 220 वाट वाले होल्डर में लगा दें। तो जब लाइट जाएगी तो आप बटन अपना ऑन करेंगे नॉर्मल, जिस तरह आप बल्ब ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। तो मतलब इसमें एज इट इज़ बिल्कुल एक उन्होंने अच्छी चीज़ बनाई है कि जो नॉर्मल जिस तरह आपका होल्डर है एसी 220 वोल्ट, उसमें आप इसको लगा देते हैं और जब लाइट जाती है तो ये अपनी इमरजेंसी बैटरीज है उस पर फिर ये ऑन हो जाता है। इसका मैं आपको बैकअप टाइम बता दूं कि जब लाइट जाएगी, जब अपनी बैटरीज पे चलेगा तो ये 3 वोल्ट इसका लाइट होगी। जिस तरह अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये 200 ये 20 वोल्ट पे जा रहा है, 20 वोल्ट ये करंट दे रहा है। जब ये लाइट जाएगी तो ये रोशनी 3 वोल्ट वाली देगा और वो भी इसकी जो रोशनी है वो अच्छी खासी है। अच्छा, जो इसका बैकअप टाइम है बैटरी का वो 3 से 4 घंटे है, और जो इसका बैक चार्जिंग का टाइम है 4 घंटे तक ये फुल चार्ज हो जाता है। और इसका चार्ज होने का तरीका भी यही है कि जब बटन ऑन करते हैं तो ये साथ साथ, जिस तरह भी मैंने इसको ऑन किया तो ये भी मुझे रोशनी भी दे रहा है और साथ साथ ये अपनी बैटरी भी चार्ज कर रहा है एमरजेंसी के लिए। तो अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो हमारे स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी लाइट जाएगी तो अभी हम इसको मज़ीद टेस्ट करेंगे कि इसकी रोशनी कितनी है लाइट जाने के वक्त। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि लाइट गई हुई है और ये इस बल्ब की ओरिजिनल रोशनी है। ये भी वैसे 20 वाट देता है जब लाइट हो, और लाइट जब चली जाती है तो ये बैकअप पे 3 वाट देता है करंट। और ये ऑन ऑफ आप देख सकते हैं कि इसी तरह बटन से ही ये ऑन ऑफ होगा, लाइट बेशक हो के ना हो तो इसको ऑन ऑफ आप बटन से ही करेंगे। जिस तरह नॉर्मल बल्ब एज इट इज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह 220 वोल्ट ये होल्डर पर लगा हुआ है तो नॉर्मल इसी तरह आप इसको होल्डर पर लगा के यूज़ कर सकते हैं। पर इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप इसकी लाइट चली जाएगी तो ऑटोमेटिक ये बैकअप अपनी बैटरीज पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको एज एमरजेंसी आप बल्ब यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अ नॉर्मल बल्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे स्टोर पर मौजूद है ये, आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।